बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समुद्र की तलाश करो, टूट जाए शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा की तलाश करो, ऐसा शीशा की तलाश करो। सो माय डियर फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो यू विल गेट फाइव मोस्ट इंपॉर्टेंट PYQ क्वेश्चंस फ्रॉम द चैप्टर्स मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट क्लियर फ्रॉम 2020 से 2023 में जो क्वेश्चन पूछा गया था सारे क्वेश्चन का प्रेजेंटेशन है। आपका ये ड्यूटी बनता है ये सारे क्वेश्चन को पहले अच्छे से रीड करो, फिर समझ कर सिंसियरिटी का साथ प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस इंप्रूव योर क्वालिटी, प्रैक्टिस इंप्रूव योर स्टैंडर्ड, प्रैक्टिस इंप्रूव योर स्किल, प्रैक्टिस इंप्रूव योर स्ट्रेंथ, प्रैक्टिस इंप्रूव योर मसल पावर इन द सब्जेक्ट। प्रैक्टिस विल मेक यू ए मास्टर इन JEE एडवांस एग्जाम। प्रैक्टिस विल प्रोवाइड यू परफेक्शन, परफेक्शन विल प्रोवाइड यू कॉन्फिडेंस, एंड कॉन्फिडेंस विल गिव यू एक्सीलेंट रिजल्ट। सो माई डियर फ्रेंड्स, JEE एडवांस एग्जाम में क्रैक करना है, कॉन्फिडेंस का साथ क्रैक करना है, क्लियर, यू हैव टू प्रैक्टिस दिस PYQs प्रॉपरली। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फॉरकमिंग JEE एडवांस एग्जाम। Now, let alpha, beta, gamma belongs to R such the system of linear equations this is consistent. Let, so this is determinant of M represent the determinant of the matrix where M matrix is this. Let P be the plane containing all these alpha, beta, gamma for which the above system of linear equations is consistent, and D be the square of the distance of the point this from the plane P. Then the value of क्लियर वैल्यू ऑफ डी क्या होगा ये आपको फाइंड करना है। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये जो डिटरमिनेंट है क्लियर यहीं से देखो, सो दिस इज इक्वल टू जीरो। सो जब डी इक्वल टू जीरो है एंड सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट है, सो इट विल प्रोवाइड अस द इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। जब इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होगा सो यू कैन राइट दिस L1 प्लस लैम्डा ऑफ L2 इक्वल टू L3। ये सब कंपेयर करो, जैसे x का वैल्यू को कंपेयर किया 1 प्लस 4 लैम्डा सो दिस इज बाय 7, फिर 2 प्लस 5 लैम्डा एंड सो दिस इज बाय 8, एंड 3 प्लस 6 लैम्डा एंड दिस इज बाय 9 इक्वल टू दिस। इन दोनों को सॉल्व करो, जब सॉल्व करोगे लैम्डा का वैल्यू -2 है, अभी लैम्डा का वैल्यू -2 इस पे पुट कर दो, ये -1 है, अल्फा -2 बीटा by lambda clear gamma -1 equal to -1, so this hence the equations of the plane clear by locus of alpha beta gamma, so that is what x minus 2y plus z is equal to 1 है। अभी इस पॉइंट से इसका जो d be the square of the distance clear, तो obviously we can find out clear d का वैल्यू क्या होगा, so ये पॉइंट इस पे पुट कर दो, so this is what -2 -1 by 1 plus 4 plus, so this is d is equal to is what, d is equal to 0 minus 2 and so this is by root 4 hai clear, so that is what, so that is equal to root 4 ka matlab a root 4 nahi root 6 hai। Abhi iska square kya hoga, d square equal to 4 by 6 hai, so that is 2 by 3 hai। तो यार ये 2021 एग्जाम में पूछा गया था, ये क्वेश्चंस को पहले अच्छा से रीड करो क्लियर, फिर इसका सॉल्यूशंस को समझने का कोशिश करो। नाउ इफ एम इज इक्वल टू दिस 5/2, 3/2, -3/2, -1/2, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स इज इक्वल टू m^2022 का क्वेश्चन है। एम इज इक्वल टू दिस एम स्क्वायर, ऑब्वियसली यू कैन फाइंड आउट एम क्यूब इज इक्वल टू दिस, ठीक है, तो m4 इज इक्वल टू सो दिस क्लियर, तो m^n क्लियर यहीं से एक फॉर्मूला बनाया, सो दिस इज 3n/2 + 1, 3n/2 - 3n/2 - 3n/2 + 1, ठीक है क्लियर। जैसा n का वैल्यू 2 है सो दैट इज 4 है, n का वैल्यू सो दिस इज 3 है एंड सो n का वैल्यू -3 है एंड सो दिस इज व्हाट -2 है, क्लियर, इन का जगह पे आप 2022 पुट कर दो सो यू विल गेट दिस 3034 3033 -3033 and -3022, सो माई डियर फ्रेंड्स ए ऑप्शन इज द राइट चॉइस है। ये IIT 2022 का क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाने का पॉसिबिलिटीज है, आप पहले समझो फिर सिंसियरिटी का साथ स्मार्ट वे प्रैक्टिस। लेट बीटा बी ए रियल नंबर कंसीडर्स, ठीक है, 3a b a 3/3 मैट्रिक्स e^7 -β - 1 e^6 - β e^5 इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स, देन द वैल्यू ऑफ 9 बीटा।
अभी डिटरमिनेंट ऑफ ए इसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू -1 सिंगुलर मैट्रिक्स मींस का इसका डिटरमिनेंट 0 है. क्लियर? यू टेक कमांड सो लाइक दिस. सो हियर डिटरमिनेंट ऑफ ए सो दैट इज इज -1 0 बाय -1 दैट इज इज 0. इसको फैक्टर करो सो लाइक दिस. ए प्लस आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज नॉन जीरो मैट्रिक्स सो लाइक दिस. ए इसको वैल्यू फाइंड किया सो दैट इज इक्वल टू -1 एंड ए माइनस बीटा इनसे बीटा का वैल्यू सो दैट इज 1/3 है. हमें क्या फाइंड करना है 9 बीटा सो दैट इज इक्वल टू 3 है. ये आईआईटी 2022 का क्वेश्चन है लेकिन ये क्वेश्चन मुझे अच्छा लगता है. आपको इसे अच्छे ढंग से समझकर सिंसियरिटी के साथ स्मार्ट वे प्रैक्टिस करना. नाउ लेट आर बी ए 3/3 मैट्रिक्स वेयर ए बी सी डी बिलोंग्स टू दिस देन द नंबर ऑफ इनवर्टिबल मैट्रिसेस. इनवर्टिबल मैट्रिक्स का मतलब क्या है? क्लियर? इसका इन्वर्स एग्जिस्ट है. इन्वर्स एग्जिस्ट होने के लिए इसका डिटरमिनेंट को नॉन जीरो होना पड़ेगा. तो इसका जो डिटरमिनेंट है क्लियर सो दिस वन इज शुड बी नॉन जीरो. अभी नॉन जीरो होने के लिए ठीक है क्लियर. नॉन जीरो होने के लिए आपको क्या करना है अभी चेक करना है. टू ऑफ ए बी सी डी आर जब जीरो होगा क्लियर ऐसा ए जीरो है और ए जीरो है और ए जीरो है ये और ए जीरो है. फोर केसेस है और अनदर टू क्या है नॉन जीरो है. 7 × 7 सो दैट इज 196. एनी थ्री ऑफ ए बी सी डी आर जीरो क्लियर. इनमें तो फोर है इसीलिए 4c3 और एक नॉन जीरो है क्लियर. नॉन जीरो है तो 7 केसेस है 28. ऑल फोर ए बी सी डी आर जीरो ये तो एक ही केसेस है. ऑल फोर ए बी सी डी आर नॉन जीरो बट द सेम नंबर क्लियर. तो सो दैट मीन्स क्या होगा क्लियर. ऑल आर नॉन जीरो बट द सेम नंबर सो दैट इज 7. जैसे ऑल आर 3 ऑल आर 5 ऑल आर 7 ऑल आर 11 लाइक दिस. व्हेन टू आर अलाइक एंड अदर टू आर अलाइक सो दैट इज व्हाट 7c2 टू आर अलाइक ठीक है. × 2 × 2 सो दैट इज व्हाट टू आर अलाइक एंड अनदर टू आर अलाइक क्लियर. यहीं पे क्या है देखो सो 7c2 × 2 × 2 सो दैट इज 8^4 है. नंबर ऑफ इनवर्टिबल मैट्रिसेस इक्वल टू दिस ठीक है क्लियर. सो दैट इज इक्वल टू 3780 है. ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है. इसी टाइप का क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है. इसे समझने का कोशिश करो और सिंसियरिटी का साथ प्रैक्टिस करो. लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती. कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती. एक नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है चढ़ती दीवारों पर बार बार फिसलती है. मन का विश्वास रगों में साहस जुटाता है. चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना न अखरता है. आखिर इसकी मेहनत बेकार नहीं होती. कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती. कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती. सो माय डियर फ्रेंड्स क्लियर. इन दिस वीडियो यू हैव गॉट 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट PYQ क्वेश्चंस फ्रॉम द चैप्टर्स मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट फ्रॉम 2020 से शुरू करके 2023 का है. क्लियर? आपका ये ड्यूटी बनता है ये सारे क्वेश्चंस को अच्छे से लगन लगा के दिल से सिंसियरिटी के साथ प्रैक्टिस करो. ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फोर्थकमिंग JEE एडवांस एग्जाम्स. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई मैथ्स चैनल.